चैनल में मीना जायसवाल फ्रॉम देहरादून। आज हमने आप लोगों के साथ सामने लेके आए एक नई रेसिपी, वो भी बेकार चीज़ों को खाने लायक कैसे बनाएं। चलिए वो चीज़ मैं बताती हूँ क्या चीज़ है, फ्रिज से निकाल के लाती हूँ। देखिए बड़े मैंने बनाए थे दही भल्ले, जो काफ़ी दिन पहले बनाए थे और ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे, हमारे बच गए थे, ज़्यादा बन गए थे इसलिए बच गए थे। अब इसमें हमने बर्फ बिल्कुल जमी हुई है ये, अब हम इनको खाने लायक कैसे बनाएं, चलिए बताती हूँ कैसे हम खाने लायक कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल पत्थर की तरह हो रहे हैं, इधर बिल्कुल पत्थर बर्फ जमी हुई है। चलिए मैं अब इनका बताती हूँ किस तरह से खाने लायक हमें इन्हें बनाने हैं। अब हम लेंगे एक कुकर, कुकर ले लिया, हम कुकर में ये सारे बड़े हैं वो सब डाल देंगे। एक विसिल आने तक इसमें थोड़ा पानी डाल के एक विसिल में ही लगाएंगे, मतलब प्रेशर बन जाएगा, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए इसमें थोड़ा पानी गर्म डाल लेती हूँ कि जिससे हमारे जल्दी से फूल जाएंगे और खाने लायक बन जाए। ये गरम पानी है थोड़ा सा, इतना ही डालना है मुझे गरम पानी, एक एक, जिससे कि देखिए इस तरह से। अब हम इसमें कवर करके एक विसल आने तक इन्हें गैस पे रखेंगे। देखिए जब तक हमारे मल्ले कुकर में रखे हुए, इतने में मैं दही तैयार कर लेती हूँ। ये दही को हमने, हमारा आधा किलो दही था, हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है, बिल्कुल फेंट लें, बिल्कुल चिकना कर लें दही को, जिससे कि हमारे बल्ले देखने में अच्छे लगे। अब हम इसको दही को, थोड़े दही को इसको निकालेंगे कटोरी में ऊपर से डालने के लिए। और इस दही में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी या दूध, जो भी आप डालना चाहें डाल लें, मैं दूध डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा दूध, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे दूध को। दूध हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, वो मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप लोग, नमक अपने स्वाद अनुसार, आप इसकी जगह काला नमक भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। चलिए हमारा मट्ठा, दही मट्ठा जो भी है तैयार हो गया भल्ले भुगोने के लिए। इसमें बल्ले हम डाल देंगे, भीगने के बाद उसमें भीग जाएंगे, निकालेंगे, विसिल आ जाए इसमें, फिर उसमें विसिल को निकलने, प्रेशर निकलने तक उसका इंतज़ार करेंगे हम, और उसको फिर थोड़ा सा दबा दबा के पानी निकालेंगे, वो आपको लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। चलिए ये हो गया है, अब मैं करती हूँ उसका वेट। देखिए हमारी ये एक विसिल आके ये ठंडे हो चुके हैं, थोड़ी देर हमने इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इनको एक एक करके इसमें बर्तन में निकाल लेंगे, इस तरह से सावधानी से निकालें, क्योंकि अब हम हमारा भल्ला जो है बहुत मुलायम हो चुका है, ये अब बड़े आराम से टूट सकता है। अभी इनको हम रखेंगे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए, ताकि ये हमारा भल्ला अच्छे से ठंडा हो जाए तो दही में हम डाल सकें। अगर गरम गरम हम दही में डाल देंगे तो दही हमारी फट सकती है, इसलिए दही में हम ठंडा होने के बाद ही डालेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छे लगते हैं, ये तो आप लोग सभी लोग ने बनाए होंगे होली पे। चलिए इन्हें पंखे में ठंडा होने रख देती हूँ।
देखिए हमारा भल्ला ठंडा हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसको एक हथेली में लेंगे, हाथों की दोनों हाथों की सहायता से इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। इनके सारे एक्स्ट्रा जो पानी है वो सब पानी को निकाल देंगे इस तरह, ताकि हमारा ये भल्ले ज़्यादा पानी, दही हमारा पतला ना हो जाए इसे पानी की वजह से। इस तरह से दबा दबा के हम एक एक भल्ले को डालते जाएंगे। इस तरह से हम सारे भल्ले इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमने सारे भल्ले इसमें डाल दिए दही में, और दही के साथ मिक्स कर दिए। ये इस तरह से देखिए अच्छे से हमारे भल्ले भीग चुके हैं। अब हम इसमें से, अब खाने लायक हमारा बन ही चुका है ये। चलिए अब हम एक प्लेट में निकालते हैं भल्ले को और बताती हूँ कैसे, कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी हमारा भल्ला तैयार हुआ है। इस तरह से आपकी भी कभी चीज़ बच जाए और इस तरह से रख लें तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे खा सकते हैं। में डालेंगे हम दही जो हमने बचा के रखी थी, दही चटनी डालूंगी। ये चटनी मैं मीठी चटनी हमेशा अपने फ्रिज में बना के रखती हूँ, जैसे कभी भी कोई चीज की जरूरत पड़े तो हम फटाफट इसको तैयार करके हम खा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से काजू, काजू और किशमिश, देखिए हमारी दही भल्ले चाट तैयार है बिल्कुल। इस तरह से आप लोग भी बना के खा सकते हैं, कितनी बढ़िया टेस्टी हमारी दही भल्ले बने। इस तरह से आप लोग भी बेकार मत कीजिए, हमेशा ये चीज को अपने थोड़ा सा कुछ यूज करके हम उस चीज को खाने लायक आराम से बना सकते हैं, और आप बहुत खुश हो के, सब बच्चे और बड़े सारे लोग खाते हैं बहुत खुश हो के। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी। एक बार आपको काट के भी दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी है ये बना हुआ। देखिए इस तरह से काटेंगे, देखिए इस तरह से आराम से कट गया, देखिए कोई दिक्कत से नहीं कटा, आराम से कट गया ये। देखिए इस तरह से बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, जैसे हमारे बिल्कुल ऐसे ताजे बने हुए, ताजे की तरह हो गए। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, बाय।